आप सबके क्वेश्चन का एक ही आंसर है और मैं आपको बता देती हूँ। हाँ जी, ये देगा उस क्वेश्चन का आंसर मुझे। क्वेश्चन क्या है? यूट्यूब के नीचे इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मड़ी भाई इतना स्मार्ट कैसे हो जा रहे हैं, मैं ये बातें अपनी वीडियो में बताऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है और ऐसा किसी ने भी नहीं पूछा। अच्छा। पर हाँ, ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा है सबने कि आप मनी की वीडियो में इतना कम क्यों नजर आ रहे हो, मतलब मैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है शिखा मेरी वीडियो में नहीं आती, कोई नाराजगी तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये मेरी वीडियो में आती है और जब आती है कोई मेरी बेइज्जती करती है, तो जब मेरी बेइज्जती करती है तो मैं इसका सीन एडिट कर देता हूँ और जो मैं बेइज्जती करता हूँ वो मैं सीन रख लेता हूँ। तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है, मैं नहीं पता तुम्हें। क्यों गलत? क्यों? छोटी बहन मेरी बेइज्जती करेगी, आप लोग देखोगे तो उनको दुख होगा, वो कहेंगे है कैसी बहन है। मनी अभी उनको रीजन नहीं पता था, तुमने बता दिया। अब तुम्हारी यूट्यूब वीडियो के नीचे काफी कमेंट्स आने वाले कि ये बहुत ज्यादा गलत बात है, शिखा की वीडियो एडिट कर देते हो तुम। अब तू आ मेरे ब्लॉग में, तू आके मेरी अच्छी अच्छी बातें कर। मेरे मणि भैया बहुत अच्छे हैं, इनके जैसा भाई कोई नहीं हो सकता। मैं तेरे सारे सीन रखूंगा, कोई डिलीट नहीं करूंगा। तो मेरा मणि, मैं ऑफ कैमरा बोलती, तुम सब कुछ ऑन कैमरा बोलते हो, और ऑफ कैमरा तुम क्या हो मैं बताऊंगी। तू सो ही जा पहले। मैं सारा कुछ बोलती हूँ, मैं वो बोलती हूँ, मैं ऑफ कैमरा। सॉरी। तो आप सभी को भी ये रीजन पता चल चुका है, अगर मैं मनी की वीडियो में कम नजर आऊंगी तो इसके पीछे मनी का बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है। हाथ नहीं है, दो अंगूठे हैं। ऐसे एडिट करता मैं, क्रैच क्रैच। मैं वही बोलने वाली थी, मेरा पंच खा गया। ये ब्लॉग्स बिल्कुल नहीं बनाती, ये बनाती है रील्स, और इसकी रील से हम सारे परेशान है। क्यों मम्मा? क्यों? इनको बस पूछा ही है कि मम्मा क्यों मम्मा, और साथ ही आ गए। इनको पता चलना चाहिए बस बेइज्जती हो रही शिखा की, फटाफट एंट्री मारते हैं। इसको बोलो व्लॉग्स बनाया करें, जितनी देर में ये एक रील बनाती है हम तीन व्लॉग बना के तैयार करके एडिट करके यूट्यूब पे भी डाल देते हैं। मैं दिन रात बोलती हूँ व्लॉग बना ले, मेरी जुबान थक जाती, मैं क्या करूँ मम्मा। वो व्लॉग बोलो, मैं गिटार चला रही हूँ, गिटार कौन सी चला रही है मम्मी, आवाज तो आती नहीं इसकी। इतनी मनी, वैसे सच्ची बताइए, स्क्रिप्ट तुमने तैयार की है? नहीं नहीं, ये मम्मा खुद की है, ये खुद की बेइज्जती है। मुझे ये बीच में बंदा बैठा ना, मुझे पूरा लग रहा है इसने मनी को। नहीं नहीं नहीं, तू आजकल मेरे ब्लॉग नहीं देखती मम्मा, बहुत बेइज्जती कर रहे हैं मेरी भी। तेरी आज हुई है। तो मम्मी मैं इसलिए आपको अपनी वीडियोस में कम लेती हूँ। कम के लेना है, आप तो बनाती नहीं हो। बिल्कुल, महीने बाद एक व्लॉग बनाती हूँ, वो भी क्या क्या बनवाती हूँ। हाँ मम्मी, पता क्या सब्सक्राइबर है ना जो है ना, 1,40,000 सब्सक्राइबर हो गया। 46 मनी ने खुद ही पंगा डाल लिया बोल के। इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं ना, लोगों को तो ये कमेंट आते हैं ये शिखा व्लॉग क्यों नहीं बनाती, हमने सब्सक्राइब किया हुआ है ना। तो शिखा रील्स बनाती रहती है ना, बनाती रहती है। व्लॉग में कुछ भी बोल दे, मेरे भैया बड़े अच्छे हैं, मेरे भाभी बड़े अच्छे हैं। हाँ। ये बोल दे मम्मी तो मेरे से काम ही नहीं करवाते, ये झूठ भी बोल सकती हूँ। नहीं नहीं, करवाती नहीं, आप करवाना चाहते हो वो करती नहीं। करती रही। एक बात है, जब से इसने मोबाइल ऑन किया है ना, ये बस उधर से इतने कह के आई है मैं अभी बताती हूँ इसका आंसर मनी देगा, बस उसके बाद ये कुछ नहीं बोली। हम दोनों ही बोल रहे हैं, उस हिसाब से ये लोग हमारे चैनल पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए बताओ मम्मा। हमारे आना चाहिए, शिखा के नहीं आना चाहिए। ले ले लोग, मुझे लगा नहीं 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 नहीं, ये ना 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 ना, आप कौन हो? चलो दोस्तों, फिर अभी शिखा को हमने बता दिया है, शिखा को नहीं सॉरी आपको बता दिया है कि व्लॉग में शिखा कम क्यों दिखती है अपनी हरकतों की वजह से। गाने ही सुना दे, लोग इतने कमेंट करते हैं शिखा गाना बड़ा अच्छा सुनती मनी भाई से। आवाज आपकी आती नहीं, सुना ना। नहीं, ये ना, नहीं पहले पहले मैं मम्मी को बोलती हूँ दीदी कि मम्मी आप सिंगर हो, आप क्यों गाने लग जाते हो, मैं सिंगर हूँ घर में, अब ये देख लो बोल के सुना देती हूँ। ओ मारी तुम हो मेरी, तुम हो मेरे साजना। शिखा सच्ची बताऊँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये आते हैं मनी भाई आपकी आवाज इतनी अच्छी कैसे हो गई। अब मुझे नहीं पता वो मेरे से मजाक कर रहे हैं या सीरियसली कह रहे हैं। नहीं नहीं, मजाक मजाक नहीं करते। मजाक नहीं, नहीं मजाक मजाक। मैं दोनों में से किसकी मानूं? आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना, अगर बुरा बोलना है तो मत करना, अगर अच्छी लगती है तो कमेंट कर देना। चल मनी तू सुना दे गाना, सुना बेटा, फिर मैं सुनाऊंगी। मैं कौन सा सुनाऊं? कोई भी। ये एक रिक्वेस्ट है, मेरा साथ देना। मैं दूंगी। हाँ, नहीं आप ना देना बस, क्योंकि मैं बस एक वर्ड बोलता हूँ सारा गाना आप बोल जाते हो। आपने बस सुनना है, ऑडियंस भी चाहिए मुझे। नहीं मम्मा, नहीं जैसे शिखा की आवाज गए तेरी आवाज दुबई जाएगी। नहीं मम्मा, नहीं दुबई। चल सुना के दे ले। जिंदगी नहीं क्या यार, वो ट्यून कोई जिंदगी का एक और गाना है वो पकड़ लेता हूँ बीच में। हाँ मुझे लग गया, एक तो वो है ना जिंदगी प्यार का। चलो अकेले गाने का मैं रिस्क नहीं लूंगा, इकट्ठे गाते हैं, इकट्ठे मतलब मैं और शिखा। ठीक है।
अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया कि जहां मिल गया क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड। बंदे ने ना बंदे ने आगे भी गाना होता है बीच में बोलो क्या बात है। जब किसी का गाना बंद कराना हो ना तब वैसे ही करते हैं। वाह वाह बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। एक गाना शिखा सुनाएगी। मैं आपको सुनाऊं? कौन सा? कोई भी। अच्छा तुम मिले दिल खिले। वाह क्या बात है। हिस्सा बराबर मेरे को भी अता करना। मैं भी सोचू मैंने एक गाना सुना दिया दोबारा क्या सुन रहा है। तो चलो काफी बेइज्जती हो गई। तो अभी मिलती हूँ मैं छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो मम्मी और मैं मेरे रूम में बैठे हैं। मम्मी और मैं मेरे रूम में बैठे हैं। मैंने सुन लिया मम्मा मेरे रूम में। अभी मैंने पता है क्या सोचा था कि तू है नहीं यहाँ पे मैं दिल की बात करूंगी मम्मी से। तो फिर अभी कर लो मैं देखता हूँ। बड़े टाइम से मेरे मन के अंदर एक सवाल था कि मम्मी बेटियां जो होती है मतलब चलो बेटी सही बेटी कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से? बेटी इतनी अच्छी होनी चाहिए मैं क्या बताऊं सिर्फ तुम्हारे जैसी नहीं होनी चाहिए। पूछो क्यों अभी तो मनी ने मेरे डलवाया क्लेश आप कैसे कर रहे हो? उठ के देखो ना मैं कहां हूं देखो किनारे पे अड़ी हुई हूं देखो देखो किनारे तो इसमें बो रही मम्मी मेरे पास आ जा। अच्छा मम्मी मेरे पास आ जाओ। मम्मी मेरे पास आ जाओ इसलिए बोला मम्मा ने कि बस तेरे जैसी नहीं होनी चाहिए। मुझे इतना पता चल गया मनी जहाँ पे खड़ा हो जाता ना उसका असर जो है ना कलेश वाला वो आ ही जाता है। वाइब्स लोग कहते हैं गुड वाइब्स ओनली मैं बोलती हूँ मनी बैड वाइब्स ओनली जहाँ तू खड़ा हो जाता है। अभी मम्मी ने मटर वाले चावल बनाने थे नीचे से मटर ही नहीं मिले हमें तो अभी मम्मी ने बनाए वड़ी वाले चावल और मनी ने बाहर से कुछ ऑर्डर किया नान मंगवाए इसने ना बटर तो मम्मी खुश हो गए बोलो क्या हुआ नान मंगवाए इसने और इसने ये मंगवाया क्या हुआ मम्मी? मैं अपने लिए नहीं मंगवाया पूछो क्यों? मैं नहीं ना खाना वो मम्मी मोटे हो जाएंगे ना इसलिए जो मर्जी क्या शिखा वो तो देखना वो क्या मम्मा क्या जो मर्जी को शिखा मम्मा ना दिन ब दिन ना पर्सनैलिटी भी जा रही है यार पता नहीं कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हो बताओ करता हूँ कुछ नहीं वैसे दरिया खा रही हूँ दरिया दलिया अच्छा दलिया तो खा ही नहीं हो हाँ। उसके साथ ही तो कितना कुछ खाते हो फिर भी मतलब मुझे कोई तो बता दे कौन मैं क्या खाती हूँ जब हम भी नहीं खाते जब हम भी आपकी एज में आएंगे हमारी पर्सनैलिटी रहेगी जैसे हाँ रहेगी क्यों नहीं रहेगी मैं तो मैं बुजुर्ग नहीं होने दूंगी। वाह 200 साल हो जाओ मम्मी ने कुदरत ही बदल दी ना बुजुर्ग नहीं होने देना मैं खुद नहीं बुजुर्ग हूँ तो बच्चों को कैसे मिलूंगी। तो शिखा ब्लॉग की स्टार्टिंग कैसे हुई थी कि मनी भाई के ब्लॉग में शिखा कम दिखती हाँ। ठीक है वो हमने बता दिया पर आज ये कमेंट आएंगे शिखा के ब्लॉग में साक्षी भाभी नजर नहीं है। तो साक्षी भाभी रेस्ट कर रही हैं आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है रेस्ट कर रही है तो रेस्ट कर रही है मेरे ब्लॉग में भी नहीं आई इसी कारण मैंने ये बताया आज हमने दो ब्लॉग स्टार्ट किए हुए हैं। चलो मेरे व्लॉग में भी थोड़ी चाती मार लियो यार उधर मैं भी बड़ा कुछ बना लिया। हाँ, मनी के सच में बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते हैं और आप जैसे बोलते हैं कि कंटेंट नहीं होता कंटेंट ना होकर भी बड़ा अच्छा कंटेंट होता है तो आप प्लीज देखना डिस्क्रिप्शन में लिंक है मनी लहरी जल्दी से जाओ जिनको व्लॉग्स अच्छे लगते हैं जल्दी। तो मम्मा मैं ना बता दूं क्लेश मैं डालता नहीं हूँ ये हरकतें ऐसी करते हैं क्लेश डल जाता है। हाँ शुक्र है अपनी बेइज्जती खुद कर रहा है। हाँ जी ये खा क्या रहे हो? ये मैं बादाम खा रही हूँ ये देखो ये कहावत थी मुझे यकीन नहीं आता था आज मुझे कंफर्म हो गया वो कहावत सही थी। नहीं नहीं छोड़ छोड़ अरे क्या सस्पेंस डाला क्या हुआ बादाम ही खाया? वो कहावत ही अकल बादाम खाने से नहीं आती ठोकरे खाने से आती है मतलब अब बादाम खाना भी मना कर दिया। तो चलो दोस्तों अभी शिखा ने बादाम खा लिए हैं अकल तो आई नहीं अब इसको पड़ेंगी मेरी ठोकरे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लेश में तब तक के लिए टाटा बाय 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 चैनल सब्सक्राइब कर लेना।